नमस्कार, हम पढ़ रहे थे निशांत जैन जी। स्वरों की बात कर रहे थे, कुछ स्वर किए थे, उसी कड़ी में आ रहे। देखो आप, हमें तीन बिंदु दिए हो तो ऐसे होते हैं। मान लो आपको चार बिंदु दिए होते तो, जैसे आपको दे दिया -2, -2, -4, -2, -6, -2 और आपको दे दिया मान लो कि -4, -6। अब चार बिंदु दे दिया आपकी बार। अब यदि इन बिंदुओं से बनने वाली आकृति का प्रकार बताइए। अब चार बिंदु से क्या बन सकता है? चतुर्भुज बन सकता है। क्या बन सकता है? चतुर्भुज। मान लो हमारे पास है ऐसे, नाम दे दिया इसको पी क्यू और आर और एस। ऐसे नाम दे दिया -2, -2, -4, 2 और यहां -6, -2 फिर -4, -6 ऐसे। ये हमें सवाल दिया हुआ है, हमें पूछे कि इन चार बिंदु से बनने वाली आकृति का आपको प्रकार बताना है। चतुर्भुज तो है, लेकिन किस प्रकार का चतुर्भुज है? आप डिपेंड करेगा इनकी भुजाओं पर और साथ में विकर्णों पर भी। अब जैसे मान लो कि आप ऐसे मान लो चारों भुजाओं का मान अलग है तो सीधे कहते हैं विषमबाहु, ठीक है, चतुर्भुज। और मान लो कि इनमें से दो दो भुजाएं, क्या चीज है? दो भुजाएं। मान लो कि पी क्यू हो जाए एस आर के बराबर, या फिर क्यू आर बराबर हो जाए एस पी के बराबर। अब आमने सामने की भुजाएं क्या हो गई? बराबर। तब उसके अंदर क्या हो सकता है? दो चीज हो सकती है, या तो आयत होगा या फिर क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। फिर देखो, इसको मालूम करना पड़ेगा कि ये आयत है या फिर समांतर चतुर्भुज है। अगर ये आयत है तो इनके विकर्ण क्या होंगे? समान होंगे। अगर ये आयत होता तो क्या हो जाएंगे? फिर एक इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे? समान। अगर ये मान लो कि समांतर चतुर्भुज है तो इसके क्या विकर्ण? समान है, नहीं होंगे। ये बन सकता है, तीन हो गए। अब चौथा देखो आप, अगर ऐसा होता कि चारों भुजाएं समान हो जाती, चारों भुजाएं समान हो जाती, तब क्या बन सकता है? समचतुर्भुज या फिर वर्ग हो सकता है। अब समचतुर्भुज वर्ग में वही फर्क है, सेम वही आयत तो समांतर है चतुर्भुज वाला। अगर विकर्ण समान है तब तो वर्ग है, नहीं तो क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। अब पांचों में से कोई भी हो सकता है, वो देखते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं, समलंब चतुर्भुज सवाल कम ही आता है, लेकिन पूछ सकता है हमसे वर्ग आयत ऐसे पूछ सकता है सीधे सवाल। अब हम दूरियां निकालते हैं, दूरियां निकालनी पड़ेगी आपको। टोटल पहले चार निकालो, उस हिसाब से करेंगे आगे वाला। आगे हमें विकर्ण भी निकालने पड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है इसमें। हम निकालते हैं पहले पी क्यू, ये पी क्यू आर और एस। पी क्यू निकालना चाहते हैं, इसको मान लिया x2, इसको y2, इसको मान लिया x1, इसको y1। तो क्या आएगा? -4, -6। आप देखिए माइनस तो ये सूत्र का है, ये तो सूत्र का है। फिर क्या आएगा? -2 की होल स्क्वायर। इसी प्रकार क्या होगा? फिर देखो 2 और फिर माइनस का सूत्र का और माइनस का ही 2 की होल स्क्वायर। फिर देखो हम सीधे करते हैं हल इसको, ये माइनस का 4, ये क्या माइनस माइनस प्लस के 2। अब माइनस के 4 और प्लस के 2 कितने हो गए? यानी कि हमारे पास ही बचेंगे -2 की होल स्क्वायर। फिर देखो एक कितना हुआ? 2, ये माइनस माइनस प्लस प्लस के 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4, 4 की स्क्वायर कितने हुई हमारे पास है? चलो लिख लेते हैं 4 की स्क्वायर। देखो -2 की स्क्वायर 4 प्लस 16 कितना है? रूट के अंदर है 20 आता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्यू आर की, बात करते हैं क्यू आर। आप देखना चाहो देखो, ये भी माइनस का, ये माइनस का घटने वाला है, तो क्या हुआ? माइनस का 6 सूत्र का माइनस, फिर है माइनस का 4 की होल स्क्वायर प्लस, देखो फिर क्या आएगा? माइनस का 2 सूत्र का माइनस और साथ में 2 की होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, देखो माइनस का 6 और माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस का 4, किसके बचे? माइनस के 2 बचे, -2 की स्क्वायर। ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का 4। यहां से क्या है आपके पास? देखो 4 प्लस 16, यहां से भी कितना आया? रूट में आपके पास आया 20 आ गया, ठीक है। फिर निकालते हैं, आपके पास लिख दिया आर एस, लिख दिया आर एस की बात है, क्या आपके पास वही काम? इसमें से इसको एस टू, इसको वाई टू, ये एक्स वन और ये वाई वन, तो माइनस का 4 सूत्र का माइनस, ये लिखते ना एक्स टू माइनस एक्स वन वाला ना, एक्स वन यानी कि क्या आएगा? माइनस का 6 की होल स्क्वायर प्लस,
फिर देखो उसके बाद है आपकी बात करते हैं, अब क्या होगा माइनस का 6 और माइनस 17 का और माइनस के 2 की होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा आपके पास देखो इसी से, फिर देखो ये माइनस का 4, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6 की, देखो प्लस का 6 और माइनस के 4 है तो कितने बचे 2, 2 की स्क्वायर, फिर माइनस का 6 माइनस माइनस का प्लस, प्लस के 2 और माइनस के 6 तो माइनस 4 की होल स्क्वायर, यहां भी क्या है 4 प्लस 16 यानी कितना आया आपके पास है 20 आ गया। फिर लास्ट टर्म बचा ये समचतुर्भुज वर्ग की तरफ जा रहा है, पी एस की बात करते हैं, जब पी एस की बात करेंगे तो वही काम इसी में कर लेते हैं, तो यहां तो क्या आएगा आपके पास माइनस का 4 माइनस 17 का और माइनस के 2 की होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या आएगा माइनस का 6 और फिर माइनस 17 का माइनस के 2 की होल स्क्वायर। अब यहां से क्या हुआ माइनस का 4 और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस का 2, अब प्लस के 2 है माइनस के 4 है, ज्यादा किसके हैं माइनस माइनस के कितने ज्यादा है 2 ज्यादा है, प्लस अब इसकी बात करते हैं माइनस के 6 और प्लस के कितने हो गए 2, किसके बचे माइनस के 4 की होल स्क्वायर, सेम सिस्टम बन रहा है 4 प्लस का 16 और कितना आया मेरे पास अंडरूट में 20 आ गया, तो हमारे पास क्या आया सारी भुजाएं अंडरूट में 20, अंडरूट में 20, ये अंडरूट में 20 और ये भी अंडरूट में 20, चार भुजाएं क्या आई अंडरूट में 20 आई, इसका मतलब जहां तक पी क्यू आर एस एक वर्ग होगा जहां फिर होगा एक समचतुर्भुज। अब उसके लिए क्या करो आप विकर्ण निकालो, एक तो पी आर दूसरा क्यू एस, अगर ये समान है तो वर्ग होगा नहीं तो क्या हो जाएगा समचतुर्भुज बन जाएगा, हम ज्ञात करते हैं पी आर, किसकी बात हो रही है ये रहा पी और ये रहा आर, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस का 6 17 का माइनस, फिर क्या आएगा माइनस का 2 की होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या आएगा माइनस का 2 फिर 17 का माइनस फिर साथ में ऐसे आ गया, तो हमारे पास क्या है देखो आप ध्यान से कि माइनस का 6 और प्लस के 2 है तो क्या है माइनस 4 की स्क्वायर, फिर क्या है आपके पास माइनस का 2 और प्लस के 2 कितना हो गया 0 हो गया, 0 की स्क्वायर हो गई। फिर देखो उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास 16 और ये कितना आ गया हमारे पास 4। अब बात करते हैं किसकी हमारे पास बचा क्यू एस, अब क्यू एस विकर्ण याद करते हैं क्यू एस, तो वो सूत्र दो सूत्र लगाते हैं तो माइनस का 4 सूत्र का माइनस, माइनस के ही क्या है 4 की होल स्क्वायर, फिर यहां से क्या आया माइनस का 6 फिर यहां से क्या आया माइनस का 2 की होल स्क्वायर, ये माइनस है सूत्र का। फिर देखो यहां से देखने में मालूम चलता है कि यहां से तो क्या आ जाएगा जे भी माइनस का और ये क्या हो जाएगा प्लस का, 0 हो गया 0 की स्क्वायर सेम ही है प्लस के 4 माइनस के 4, फिर यहां से क्या आ रहा है माइनस का 8 आ रहा है माइनस का 8 की स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा वो 64 कितना आएगा वो 8 आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है इसमें एक कंडीशन हो रही है कि हमारे को मालूम चल रहा है कि पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है आर एस बराबर है यानी कि पी एस चार भुजाएं तो बराबर हो रही है इसलिए क्या हो सकता है वो सम चतुर्भुज जहां फिर वर्ग। अब उसके लिए हमने देखा मैंने विकर्ण देखे विकर्ण कौन कौन से कि पी आर बराबर नहीं है किसके क्यू एस के इसलिए क्या वर्ग तो नहीं हुआ तो क्या बचा फिर ये एक सम चतुर्भुज होगा क्या होगा सम चतुर्भुज होगा इन चार बिंदु से बनने वाली आकृति क्या प्रकार क्या होगा सम चतुर्भुज होगा। एक अच्छा सवाल दिया हुआ है इसमें उसमें आपको तीन बिंदु दिए हुए हैं और साथ में कहा किसी भी करके दिखाओ कि एक समबाहु त्रिभुज है कैसा है ऐसे ए कोमा ए और माइनस ए कोमा माइनस ए और फिर आपको दिया हुआ है माइनस का अनुरूट 3 ए और अनुरूट 3 ए हमें कहा कि इन तीन बिंदुओं से जो आकृति बनती है सिद्ध करके दिखाओ वो क्या एक समबाहु त्रिभुज है
मतलब आपको सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। ये कब पॉसिबल है? जब तीनों दुनिया मतलब तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। मतलब पी क्यू बराबर हो, क्यू आर बराबर हो पी आर, तब हमारे पास क्या होगा? ये समान है, यानी कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो वो दूरी निकालते हैं हम पी क्यू। आप पी क्यू की बात कर रहा हूं, सूत्र देखो सूत्र के हिसाब से माइनस का ए माइनस सूत्र का फिर ए की होल स्क्वायर प्लस फिर वो सेम सिस्टम है माइनस का ए माइनस ए की होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर माइनस का दो ए की स्क्वायर माइनस का दो ए की होल स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? चार ए स्क्वायर। इसका भी चार ए स्क्वायर कितना आया अंडर रूट में? आठ ए स्क्वायर। वैसे हमें सिद्ध करना है, आप अंडर रूट मत को छेड़ो उसको। तो यहां आया आपके पास, हम निकालते हैं क्यू आर, बस यही है, समझे बात? सूत्र के हिसाब से क्या होगा? इसको मान लिया एक्स टू, इसको मान लिया वाई टू, ये हो गया एक्स वन और ये हो गया वाई वन। तो क्या हुआ हमारे पास? माइनस का अंडर रूट तीन ए माइनस सूत्र का, फिर पहले क्या हमारे पास? माइनस का ए की होल स्क्वायर प्लस फिर वही काम अंडर रूट तीन ए माइनस पहले से माइनस ए है की होल स्क्वायर, इसकी होल स्क्वायर बोलते हैं। देखो इसको तो सॉल्व कर लेते हैं, ये तो रहा माइनस का अंडर रूट तीन ए, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो हमारे पास क्या? प्लस का ए की होल स्क्वायर प्लस सॉरी ये वन रूट तीन ए माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस का ए की होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर बोलते हैं, आप इसे मान लो एक्स और इसे मान लो वाई की होल स्क्वायर से खोलते हैं, क्या होगा होल स्क्वायर से? कि पहले की स्क्वायर क्या आएगा? पहले की स्क्वायर, ये एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर से बोल रहा हूं। एक्स का मान तो क्या है? अंडर रूट तीन ए है और वाई का मान क्या है आपके पास? है ए। अगर आप इसको आगे ले आते, इसको ले आते तो एक्स माइनस वाई बन जाता, कोई टेंशन नहीं है। अब वही काम पहले की स्क्वायर तो क्या आती? पहले की स्क्वायर यानी कि अंडर रूट तीन ए की होल स्क्वायर प्लस दूसरा कौन है? ए, तो ए की स्क्वायर। फिर देखो आप ये माइनस का माइनस में लगाओ कोई बात नहीं, आप प्लस प्लस लगा लो, प्लस लगा लो टू ए बी। ए कौन है हमारे पास? माइनस का अंडर रूट तीन ए और बी कौन है हमारे पास? ए। ये तो सब खुल गया हमारे पास। अब इस वाले की बात करते हैं, पहले की स्क्वायर यानी कि अंडर रूट तीन ए की स्क्वायर प्लस दूसरे वाले की स्क्वायर और यहां पर प्लस ही आएगा, टू अंडर रूट में तीन ए और गुणा में क्या आता? ए आता। अब इसकी बात करते हैं, देखो जब चाहे माइनस होता है प्लस हो उसकी स्क्वायर करते हैं तो क्या आती है? प्लस ही आती है। तो देखो ध्यान से क्या हुआ, ये तो प्लस हो गया, अंडर रूट तीन ए की स्क्वायर क्या हो जाएगी? तीन ए स्क्वायर और यहां से क्या आएगा? ए स्क्वायर। अब इस वाले की बात करते हैं, यहां से क्या आएगा? माइनस आगे आ जाएगा, दो है साथ में अंडर रूट है तीन भी है, एक ए क्या हो गया? ए स्क्वायर। यहां सेम ही आने वाला है, तीन ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और यहां पे क्या होगा? प्लस का टू अंडर रूट में थ्री ए स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब इसमें दोनों बदलो ध्यान से, ये तो माइनस का और ये क्या है? प्लस का, लेकिन दोनों है क्या? सेम। अब प्लस माइनस के इसलिए क्या हुआ? घट गए। अब इनकी बात होती है, तीन और एक चार, चार और ये भी चार, कितने हो गए? आठ, आठ ए स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास क्यू आर का मान भी कितना आ गया? आठ ए स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी, बचा हमारे पास कौन है? पी आर। अब दो भुजाएं समान आ गई, तीसरी भी समान आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं ये संभव त्रिभुज है, करते हैं। तो अब दूरी सूत्र के हिसाब से हम निकाल रहे हैं पी आर। अब इसकी बात करते हैं, अब इसके करेंगे तो देखो माइनस का अंडर रूट है तीन ए, सूत्र का माइनस और यहां पे ए की होल स्क्वायर प्लस, फिर देखो यहां की बात करते हैं, यहां आएगा अंडर रूट तीन ए और माइनस का सूत्र का माइनस उसकी होल स्क्वायर। फिर क्या हुआ हमारे पास? देखो आप कोई भी लगा लो, टेंशन है नहीं है, हम लगाते हैं इसमें से कॉमन आ रहा है वही लगा रहा हूं, एक्स प्लस वाई वाला ही लगाते था उसमें,
नहीं तो आप चाहते तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं ठीक। अब मैं दोनों में ही वो मान लो कि यहाँ x माइनस वाई लग रहा है और यहाँ पे कोई भी लगा लो x प्लस वाई, लेकिन ध्यान रखना x का मान तो क्या है माइनस का है और y का मान भी क्या है माइनस का ही है। आप माइनस वाला भी लगा सकते हैं ठीक, उसमें क्या अंतर आपको ध्यान रखना पड़ेगा x का मान तो माइनस का है लेकिन y का मान क्या है प्लस का है। आप इसे लेकर दोनों में प्लस लगा के देखो आपको मान चल जाएगा अपने आप ही ठीक है। दोनों में क्या करो आप ये सूत्र नहीं लगाओ, कोई टेंशन है नहीं है, पहले की स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर और फिर प्लस 2xy ये लगाना, वो देख लेना x का मान क्या आपके पास माइनस अंडर √3 है, y का मान भी माइनस है a, और यहां से क्या हुआ x का मान √3 है और y का मान a है, ये ध्यान रखना। अब पहले क्या आएगा x की स्क्वायर यानी कि पहले वाले की स्क्वायर अंडर √3 a की होल स्क्वायर, फिर दूसरे वाले की स्क्वायर, फिर क्या है दोनों का गुणा, दो गुणा दोनों का मैंने क्या कर दिया यहां पे गुणा ले लिया, ये भी माइनस का और ये माइनस का, ये आपके पास ऐसा है। अब ये तो भूल चुका है, हम इसकी बात करते हैं, वही काम पहले की स्क्वायर यानी कि अंडर रूट तीन ए की स्क्वायर प्लस दूसरा अपन वाई माइनस ए की स्क्वायर प्लस टू के साथ दोनों, पहले तो कौन है अंडर रूट ए तीन ए और गुणा में कौन है माइनस का ए, माइनस का ए, फिर वो इसको खोलते माइनस प्लस स्क्वायर है माइनस कर दिया अंडर रूट तीन की स्क्वायर क्या हुआ तीन ए स्क्वायर, यहां से ए स्क्वायर, ये भी माइनस का क्या हुआ प्लस का हो गया गुणा के अंदर है, तो क्या हुआ टू अंडर रूट में थ्री ए स्क्वायर और ये क्या हुआ थ्री ए स्क्वायर और यहां से ए स्क्वायर। अब ये तो क्या हुआ माइनस बाहर आ गया आगे, तो क्या हो गया अंडर रूट तीन ए स्क्वायर। अब इनकी बात है ये दोनों सेम है लेकिन निशान क्या है अलग है, क्या घट गए। अब यहां से देखो ये चार कितना हो गया आठ ए स्क्वायर, तो यहां क्या प्राप्त हुआ अंत में हमें कि पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है पी आर, मतलब इस जो हमें ये दिए हुए तीनों बिंदु इनकी तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है समान है, इसका मतलब जब इन तीनों को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा एक समबाहु त्रिभुज बनने वाला है। इसे मान लो आपको दे दिया ऐसे ऐसे आपको बिंदु दे दिए और हमें कह दें कि आपको सिद्ध करके दिखाना है कि तीनों बिंदु क्या है सेरेक, ये तीनों बिंदु क्या है सेरेक। अब ये सेरेक सेरेक को कैसे समझेंगे देखो आप, इसे मान लो कि सेरेक का मतलब समझते हैं एक ही रेखा, इसे मान लो एक दो तीन, ये मान लो बिंदु है पी एक बिंदु है क्यू और ये हो गया आर, तीन बिंदु दिए हैं हमें सिद्ध करके दिखाना है ये क्या है तीनों सेरेक है। अब सेरेक में एक ही रेखा पर है तब देखो क्या होगा कि पी आर क्यू आर और कौन सा बचा हमारे पास है पी क्यू, ये तीन दूरी है। अगर एक ही रेखा पर है हमें मालूम नहीं है कि क्यू इधर भी हो सकता था इधर भी हो सकता था, लेकिन हमें यह पता है कि पहले दूरी ये होगी दूसरी दूरी ये होगी और तीसरी दूरी ये होगी, हमें यह पता है कि दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर आ जाए तब तो क्या हो एक ही रेखा हमारे होंगे। क्या होना चाहिए कि दो दूरियों का योग क्या हो तीसरी के बराबर आ जाए तब तो हम कह सकते हैं कि एक ही रेखा पर है नहीं तो नहीं है, मतलब सेरेख है नहीं तो नहीं होगा। आप देख लो ना कि दो दो एक दो और तीन हमें पता नहीं पी क्यू आगे पीछे नहीं भी हो सकते हमें मालूम है नहीं है। अगर ऐसा हो जाए कि दो दूरियों का योग क्या तुम्हारे पास ऐसे भी हो सकता था ये वाली तीसरी और दूसरी का योग पहली के बराबर आ जाए तो भी क्या होंगे सेरेख होंगे, चाहे यानी कि दूसरी और तीसरी का योग पहली के बराबर आ जाए या फिर पहली और तीसरी का योग भी दूसरी के बराबर आ जाए, पहली और दूसरी का योग भी तीसरी के बराबर, कह सकते हैं तीन दूरियों में से दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर आता है तो क्या हो जाएगी वो तीनों बिंदु सेरेख हो जाएंगे। हम दूरियां निकालते हैं इसको नाम दे दिया पी क्यू और आर दे दिया, हम निकालते हैं पी क्यू क्योंकि सारी प्रश्न हमारी इस पर आधारित हो रही है सारी सारी दूरी सूत्र पर हो रही है, तो निकालते हैं दूरी, फिर यहां से क्या है माइनस का दो ये माइनस का एक की होल स्क्वायर प्लस सात माइनस एक की होल स्क्वायर, ये भी माइनस का ये भी माइनस का तो माइनस के कितना हुए तीन, माइनस तीन की स्क्वायर प्लस सात में से क्या तो छह की स्क्वायर, ये तो नौ प्लस है छत्तीस
कितना है आपके पास है 45 अंक, क्या आ गया हमारे पास है 45 है आ गया। अब निकालते हैं क्यू आर, क्या निकालते हैं क्यू आर। जब हम क्यू आर की बात करेंगे तो क्या हुआ 3 माइनस 2 सूत्र का, ये पहले माइनस किया तो माइनस 2 की होल है स्क्वायर प्लस, फिर क्या आएगा माइनस का 3 माइनस के साथ की होल है स्क्वायर ऐसे। अब इस हल भी कर सकते थे, चलो हम बाद में हल करेंगे वो तो देखो आप, चलो यही कर लेते हैं। आप अंडूर के अंदर है, अगर उसके ऐसे टुकड़े होते हैं कि उस टुकड़ों में से एक संख्या ऐसी बनती हो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है तो उसे टुकड़े के रूप में लिखो, जैसे यानी कि गुणा के रूप में 4 ले दें क्योंकि 4 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है, 9 का भी होता है और उसके बाद क्या हुआ 16 का होता है, 25 का होता है, ऐसे 36 का, यानी कि नीचे टुकड़े करें उसके अंदर मान लो कि बनता हो, जैसे मान यहां क्या बन रहा है देखो ध्यान से कि 9 × 5 बन रहा है क्योंकि 9 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है कितना आता है वो 3 होता है, 9 तो 12 आ गए 3 बन गए और अंदर होने गया 5, ऐसे कर सकते हो और बने तो। अब इनकी बात करते हैं कि माइनस का प्लस के 3 हो, माइनस माइनस करो है 2 यानी कि प्लस के 5 हो, 3 हो 2 कितना हो 5, 5 की स्क्वायर कितनी होगी 25 प्लस, ये क्या देखो ध्यान से आप माइनस का 3 माइनस के ही 7 तो माइनस के कितने हो गए 10, माइनस 10 की स्क्वायर कितनी होती है हमारे पास 100 होती है, ये कितना आया 125। अब इसके ऐसे बनता है हुआ जैसे मुझे बताया कि 25 इंटू में 5 कितना होता है 125, क्योंकि 25 का पूरा पूरा वर्गमूल होता है इसलिए मैंने इसको लिख दिया 25 गुणा में 5, 25 तो 12 है तो क्या बन गए 5 बन गए। अब उसके बाद आप तीसरी दूरी कौन बची हमारे पास है, जैसे बात करते हैं पी आर, पी आर की बात करते हैं, जब पी आर की दूरी निकाले तो क्या देखो आपके पास 3 माइनस 1 की होल है स्क्वायर प्लस क्या हुआ माइनस के 3 और माइनस का 1 की होल है स्क्वायर, कितना बचा हमारे पास 2, यही होगा ना हमारे पास 3 माइनस 1 तो हमारे पास कितना आया 2 बचा, 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4, फिर ये कितना हुआ माइनस का 4 माइनस 4 की स्क्वायर कितनी होगी 16, ये कितना हो गया आपके पास 20 हो गया। अब 20 को वैसे ले सकते हैं क्या, हाँ क्योंकि 4 गुना 5 ले सकते हैं इसको, 4 गुना 5 क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2 अंडर में कितना आया 5। अब हमारे पास देखो दूरियां कैसी कैसी हैं, ये देखो आप ध्यान से कि पी क्यू कितना आया 3 अंडर में 5 है, क्यू आर क्या आ रहा है हमारे पास है 5 अंडर में 5 और पी आर कितना आया 2 अंडर में 5, इनका योग इसके बराबर है और है यहां क्या स्थिति प्राप्त हो रही है कि क्यू आर बराबर क्या हो रहा है पी क्यू प्लस पी आर, यहां क्या हो रहा है कि देखो ध्यान से कि दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर है हो रहा है, हो रहा है ऐसे कि अंडरूट 5 और यहां पे 2 अंडरूट में 5, आप ये वो जोड़ लगाते हो ना मान लो इसमें अब 2 में से कॉमन क्या आ रहा है अंडरूट 5, यहां क्या बचा 3 प्लस 2 ये कितना हो गया 5 अंडरूट में 5। अब देखो यहां पे क्या हुआ दो दूरियों का योग क्या हुआ तीसरी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या बन गया एक समकोण त्रिभुज सॉरी सेल एक बिंदु हो जाएंगे। हमने देखा था जब हमने स्टार्टिंग की थी जब हम एक्स एक्स पे चलते थे तो वाई का मान हमेशा क्या होता था 0 होता था, जब हम जैसे एक सवाल लेते हैं माइनस का 2 माइनस के 5 और यहां पे 2 कोमा माइनस है 3 इस प्रकार का कोई सवाल है और सवाल इतना सा है बहुत अच्छा, हमने पढ़ा था अभी कि अगर हम एक्स अक्ष पे चलते हैं तो उस पर क्या होता था वाई का मान हमेशा 0 होता था, जब हम वाई पे चलते थे तो एक्स का मान क्या होता था हमेशा 0 होता था, इसका मतलब कि जब जब हम एक्स पे चलेंगे उस पर कोई बिंदु लेने उस पर हमेशा वाई का मान तो क्या होने वाला है 0 होने वाला है, जब हम एक्स पे चलेंगे तो वाई का बिंदु के निर्देशांक तो क्या पक्का ये क्या होंगे वो 0 होंगे, एक्स का हो सकता है इसको मैंने क्या मान लिया एक्स होगा कुछ ना कुछ होगा, वो एक्स का मान तो होगा लेकिन वाई का मान नहीं होगा। अब उसको ध्यान में रखते हुए देखो आप कह सकते हो कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप एक्स अक्ष पर
स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप कैसा होता है, एक्स कोमा जीरो होता है, ऐसा रूप होता है इसका, एक्स कोमा जीरो के रूप का होता है। अब सवाल देखो कैसा होता है, सवाल हमसे यह पूछा जाएगा कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से क्या है, समान दूरी पर है, जो इन दोनों से क्या है, समान दूरी पर है। x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो इनसे क्या हो, समान दूरी पर है। अब उस बिंदु को नाम दे दिया मैंने, मान लो P दे दिया, ये बिंदु P क्या है, इनसे, मान लो इनको नाम दे दिया मान लो A और B दे दिया। ये बिंदु P ना जो x अक्ष पर है, यानी कि हमें ज्ञात ज्ञात करना है कि x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है जो A और B से क्या है, समान दूरी पर है। हमें यह दिया हुआ है कि बिंदु P क्या है, A से भी और B से भी समान दूरी पर है, मतलब हमें यह दिया हुआ है कि AP बराबर क्या है, BP है, AP बराबर क्या है, BP है, ये तो हमें दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, वो बिंदु निकालना है। अब हमें मालूम है AP बराबर BP है, तो लगाते हैं क्या, दूरी सूत्र, क्या लगाते हैं, दूरी सूत्र, यहीं पर निकालते हैं AP। अब देखो इसकी मैं स्क्वायर कर दूंगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसे मान लो तीन बराबर तीन होता है, कोई टेंशन नहीं है, तीन की स्क्वायर बराबर भी तीन की स्क्वायर होने वाली है। पहले हमें दिया हुआ था कि AP बराबर क्या है, BP है, AP बराबर क्या दिया हुआ था, BP, अगर इनकी स्क्वायर भी लिखूंगा बराबर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्क्वायर मैंने इसलिए लगाया कि हमारे दूरी सूत्र में क्या होता है, अंडरूट आता है, अब अंडरूट हटेगा तो ही तुम्हारे पास क्या होगा, एक्स का मान आएगा। अब इसलिए मैंने कहा कि उनकी दोनों की स्क्वायर कर दी, पहले से अंडरूट हटा दिया दूरी सूत्र से, अब निकालते हैं एपी। अब दूरी सूत्र लगाएंगे उसके अंदर अंडरूट नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर अंडरूट से हट गया, अब निकालते हैं एपी। अब दूरी सूत्र लगा रहा हूं ऐसे, ये तुम्हारा एक्स टू ये वाई टू, ये एक्स वन और ये वाई, तो क्या हुआ, एक्स सूत्र का माइनस, फिर क्या है हमारे पास, माइनस का दो की होल स्क्वायर प्लस, फिर यहां से क्या है आपके पास, वाई टू जीरो माइनस का पांच की होल स्क्वायर बराबर, वही काम से बीमार ये हो जाएंगे, एक्स वन होले वाई वन, एक्स माइनस दो की होल स्क्वायर, फिर जीरो माइनस माइनस के तीन की होल स्क्वायर ऐसे, फिर देखो अब इसको देखो, हमें अंडरूट तो लगाना ही नहीं है, मैं लगा दिया एक बार की दूरी सूत्र से हिसाब से, लेकिन हटा क्यों रहा हूं, क्योंकि हमारे पास क्या है, जब हम एपी निकालते तब तो अंडरूट आता, ठीक है, लेकिन स्क्वायर निकाल रहे हैं इसलिए क्या हुआ, इसका अंडरूट हट जाएगा, मैंने पहले सुनाने के लिए लिखा था। अब इसको हल करते हैं, ये क्या हुआ, एक्स माइनस माइनस प्लस का दो की होल स्क्वायर, ये माइनस का पांच की होल स्क्वायर, फिर यहां सीधी सीधी सी बात है, एक्स माइनस टू की होल स्क्वायर, यहां से माइनस माइनस प्लस का तीन की होल स्क्वायर। अब इसको बदलते हैं एक्स प्लस वाई वाले सूत्र की होल स्क्वायर से, सर समीकरण फर्स्ट है, पहले की स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर कितनी होगी, चार प्लस टू ए बी, दो इंटू में एक्स इंटू में दो, कितना हुआ, चार एक्स प्लस का पच्चीस बराबर। अब इसकी बात करते हैं, ये भी x माइनस वाई की होल स्क्वायर से मिलेगा दूसरी सरसमी का, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर यानी कि चार, अब माइनस का टू ए भी, तो क्या हुआ, माइनस का चार एक्स, और यहां से क्या हुआ, प्लस का कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा। अब देखना, अब ये देखो आप x वाले हो गए, तो बिना x वालों को एक तरफ ले जाऊंगा। अब देखो ये तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का इधर है तो माइनस, प्लस का चार एक्स, ये माइनस के चार एक्स इधर है तो प्लस के चार एक्स बराबर, यहां पे क्या हुआ, चार भी है नौ भी है, ये प्लस का इधर है तो माइनस का चार, और माइनस के कितने हो गए, पच्चीस, ये आस में बैठ गए, ये जुड़े तो कितना हुआ, आठ एक्स हुआ। अब देखो ये वाला आस में बैठ गए, अब प्लस के तो कितने, चलो जोड़ लेते हैं, प्लस के तेरह है और माइनस के कितने आपके पास है, उनतीस है, उनतीस में से तेरह जाए तो कितना बचेंगे, सोलह, ज्यादा किसके थे, माइनस के, तो माइनस के सोलह, तो एक्स बराबर क्या आया, माइनस का सोलह बटा में आठ, यानी कि माइनस का दो आया, किसका मान, एक्स का मान, इसका मतलब यहां रखेंगे माइनस का दो कोमा जीरो, इसका मतलब एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या होगा हमारे पास, माइनस दो कोमा जीरो होगा।